अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे इंशाल्लाह आप लोग। आज मैं आपको चिकन रोस्ट बता सिखा रही हूँ। ये चिकन के हमने पीस लिए हैं इतने बड़े, ये देखें बीच में हमने ये कट लगा लिए, इस तरह कट लगाने, ये देखें ये सारे कट लगा दी। मेरा फ्रीज़र में था इसलिए थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, ये देखें ये कट लगा दिए हमने तरह। ये हमने तीन पीस ले लिए। अब इसमें हमने डालना होगा 1 टीस्पून लाल मिर्च, ये 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, और आधे से भी ज़रा कम ये, बल्कि आधे से ज़रा कम ये हल्दी पाउडर। अच्छा, ये चाट मसाला है, ये 1/2 टीस्पून डालना है चाट मसाला। थोड़ी भी कुटी हुई मिर्च, अगर आप लोग स्पाइसी खाते हैं थोड़ी ये डाल दें, काली मिर्च, ये नमक हसबे ज़रूरत आप डाल लें। अब इसको हम मिक्स करते हैं, और ये दही है 1 टीस्पून, 2, और ये 3, ये अभी हम मिक्स करते हैं, खाते हैं। ये देखें इस तरह अच्छी तरह आपने मिक्स करनी होगी इसको। इसको मिक्स करके अच्छी तरह ये मसाला लगा के इसको आपने फ्रिज में रखना है कम से कम 3-4 घंटे, बल्कि रात को, जैसे मैं अभी कर रही हूँ, सुबह मैं इसको फिर बना लूँगी। अच्छी तरह ये मसाला इसमें लग चुका होगा, अंदर तक हो चुका होगा ये, तो फिर ये अच्छा होगा। अगर अभी आपने जल्दी किया तो ये सिर्फ ऊपर मसाला होगा, अंदर इसका टेस्ट वो नहीं आएगा। ये अच्छी तरह मिक्स करके, इस तरह मैं मिक्स करती हूँ, अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अब ये मैं इस बाउल में रख दूँगी, इस तरह बाउल में रखना है ताकि वो मसाला इसके ऊपर आ जाए ना, जो इसके मसाला होगा वो अच्छी तरह इसको लग जाए। ये देखें इस तरह मैंने रख दिया, ये जो इसके ऊपर डाल देंगे। इसको फ्रीज़र में नहीं रखना है, फ्रिज में रख दे 3 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, जितना ज़्यादा रख सकते हैं इतना ही ज़्यादा टेंडर हो जाएगा ये। अब मैं रख दूँगी फ्रिज में, ठीक है। ये हमने रखा था रात को, अभी हम इसे रोस्ट कर रहे हैं। ये ऑयल डाला है हमने 1/2 कप, अभी गर्म हो चुका है, इसमें भी हम डाल देते हैं। मीडियम आंच से बहुत स्लो आंच पे रखना, ये देखना। ये हमने इसमें डाल दिया है, अब इसे फ्राई कर लेंगे मीडियम आंच पे, मीडियम से ज़रा सा स्लो आंच पे इस पर हम फ्राई करेंगे। अच्छा, आज हम आपको एक और वजीफा आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरा अपना जाती है। बाज़ अवकात ये चेहरे की खूबसूरती के लिए लड़कियाँ बड़ी होती हैं कि हम अच्छे नहीं लग रहे हैं, हम ऐसे हैं, हम वो हैं, अच्छी खासी प्यारी शक्लें होती हैं, लेकिन फिर भी, तो उसके लिए आप यूँ करें, 5 वक्त की नमाज पढ़नी लाजमी होगी। हर नमाज के बाद 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के, या फिर एक ही दफ़ा पढ़ ले दुरूद शरीफ, कोई सा भी पढ़ ले, छोटा सा हो, जो भी आप पढ़ सकती हैं। उसके बाद 1 तस्बीह 100 दानों की लें, उस पर या अल्लाह या मुस्तवीर या जमील ये पढ़ ले 1 तस्बीह पे। फिर दुरूद शरीफ पढ़ के आखिर में अपने हथेलियाँ मिला के उस पर थूक कर अपने चेहरे पे लगा ले, गर्दन पे लगा ले, अपने चेहरे पे लगा ले, हाथों पे लगा ले, वो हाथ। इसी तरह आप हर 5 नमाज के बाद 500 दफ़ा पढ़ेंगे, हर नमाज के बाद 100 दफ़ा पढ़ के अपने चेहरे पे, हाथों पे, गर्दन पे लगा लें, और दुआ कर ले कि अल्लाह मेरे चेहरे पे नूर पैदा कर, खूबसूरती ला। बहुत आजमूदा, मेरा आजमूदा है, मैं बहुत करती थी, अब तो बस बच्चे एज हो गई, अब इतना नहीं कर सकती, तो मैं करती थी तो काफ़ी लोग पूछते थे कि इतनी फ्रेश क्यों है आप, स्किन बहुत अच्छी है, बस ये अल्लाह की कमाल है।
तो ये आप ज़रूर करें, बच्चियाँ करें, कोई वो नहीं है, बच्चियाँ करें, बच्चा करें, मर्द औरत कोई भी कर सकता है ये वजीफा। लेकिन 5 वक्त की नमाज लाजमी, ये सिर्फ नमाज के बाद पढ़नी है ये आपने। इंशाल्लाह फिर आप देखें अपने चेहरे की खूबसूरती, देखें नूर, देखें आपको पता चले। अच्छा ये अब हम इसके ऊपर ये रख रहे हैं ताकि अंदर से अच्छी तरह हीट पहुँचे, अच्छी तरह बन जाइए। और ज़रूरी नहीं है कि आप इसे रात को करके सुबह ही कर लें, हाँ ज़रूरी नहीं है। लेकिन मसला ये है आप आधा घंटा भी रख सकती हैं, आधा अगर आपको झटपट करना है तो आधा घंटे के बाद आप इसको कर सकती हैं। इस तरह करेंगी तो वो सब पानी छोड़ देगा, मिक्स हो जाएगा। ये तो अभी खैर मैंने कर दिया, ये पानी नहीं छोड़ेगा। और दूसरा ये कि लाजमी नहीं है कि आप इसमें दही डालें, अगर आपके पास दही नहीं है तो आप सिरका डाल दें 1 स्पून, या लीमू का 1 बड़ा लीमू लेके उसका रस डाल सकती हैं। चाट मसाला भी ऑप्शनल है, अगर चाट मसाला भी नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, लीमू डाल दें। तो ये कि चाट मसाला भी लाजमी नहीं है, अगर ये आपके पास है, दही है या सिरका है या लींबू है, ये मैरिनेट करते हुए उस वक्त आप ये डाल सकती हैं। ठीक है, ये मेरे पास तो पड़ा था इसलिए मैंने डाल दी। अपने इसे हटा के चेक करते हैं, ये देखें ये इस तरह हो गया। अब आँच जो है ना बिल्कुल स्लो रखनी है, पड़ा है ना, ये देखें ये अभी नहीं हो गया, आँच स्लो रखनी है ताकि ये अच्छी तरह अंदर से पक जाए। ये देखें अब इस पर ढक्कन रखना है, स्लो आँच पे इसे रखना है। ढक्कन हटा के इसको फिर थोड़े यूँ दबा के रखेंगे। अगर ऑयल ज़्यादा हो तो मसला नहीं है, ये ऑयल मैंने कम डाला है इस वजह से, ये यूँ दबा के रखेंगे तो अच्छी तरह ऑयल अंदर जाएगा, इससे ये जब बाहर निकलेगा तो जूसी सा ना होगा। शुरू में मीडियम, बिल्कुल मीडियम स्लो आँच पर रखो, ज़रा पकने लगे तो फिर मीडियम आँच करके इसको फिर ढक्कन ना लगाए, अब इसको यूँ दबाए क्योंकि अंदर तक पक चुका है ना, यूँ दबाने से इसका जो पानी होगा वो अंदर से निकल जाएगा। अच्छा ये रेडी हो चुका है, अब इसको ये देखें, देखिए ये पक चुका है अंदर से, सारा अंदर से ये पक चुका है। ये टेस्ट करते हैं, जब सारी रात अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह पक चुका है, बहुत सख्त नहीं है, जूसी सा है। जब आप सारी रात रखेंगे तो जाहिर है सारा मसाला अंदर हड्डियों तक पहुंच चुका है। अगर मैं बहुत बोलूं कि बहुत टेस्टी है, लेकिन जब तक आप लोग ट्राई नहीं करेंगे, आप लोग खुद टेस्ट नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कर दीजिए और ट्राई भी ज़रूर कीजिए ताकि आप लोगों को इसके टेस्ट का पता चले। वो बाहर खाने से ये घर में लाख दर्जा बेहतर है और उन्हीं की तरह उनसे ज़्यादा ये जूसी और मज़े का होता है।